वही हो गया जिसका डर था। और पिछले 2 से 3 व्लॉग्स में मैंने आपको बारहा दफ़ा बताया था कि ये होने जा रहा है। यकम फरवरी आ चुकी है और बैरिया टाउन ने 10% का जो बम है वो जायज़ बम वो गिरा दिया अलॉटीज़ पर, और ख़ुसूसन उन अलॉटीज़ पर जिनकी प्रॉपर्टी रेडी थी और वो पोजेशन अप्लाई नहीं कर रहे थे। मेरे पिछले वीलॉग्स इस बात का सबूत हैं कि मैंने कहा था कि 99.9% 10% पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस में इजाफा कर दिया जाएगा। ये मैंने बारह दफ़ा लोगों को बताया, कस्टमर्स को बताया कि मेरी इतलात और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये काम होने जा रहा है। आज जैसे ही 1 फरवरी स्टार्ट हुई और ऑफिस टाइमिंग में ये खबर आ गई कि 10% चार्जेस पर इजाफा कर दिया गया। जी हाँ, पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस जो कि पहले 3,93,000 रुपये थे, अब उस पर 10% इजाफा हो गया है। जनाब, ये है एक खबर जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि अब फैसला आपका है कि अब आपने इस महीने ये चार्जेस पे अदा, यानी ये जो चार्जेस हैं ये अदा करने हैं, या अगले महीने फिर से 10% बढ़े हुए चार्जेस को पे करना है। वो तमाम लोग जो बैरिया टाउन कराची के बारे में ये बात कर रहे हैं कि बैरिया टाउन ने कब्ज़ा नहीं दिया, उनकी बात तो किसी हद तक दुरुस्त मानी जा सकती है। जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई वहाँ ये चार्जेस कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, वो बात अपने तौर पर मौजूद है। लेकिन वो लोग जिनके प्लॉट्स पर, विलास पर, अपार्टमेंट्स पर पोजेशन आ चुका है या मुस्तकबिल करीब में आ जाएगा, वो लोग इस इजाफे के खुद कसूरवार हैं। अब आप 10% इजाफी चार्जेस के साथ ये पैसे पे करेंगे, और जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है अगर आपने वहाँ ये चार्जेस अदा नहीं किए तो सिर्फ एक शख्स का कसूर है, वो है आप, जिनका प्लॉट है, जिनका विला है, जिनकी प्रॉपर्टी थी। क्योंकि डेवलप्ड प्रॉपर्टी वाली जगह पर आपने अगर ये चार्जेस अदा नहीं किए तो इसमें कसूर प्रॉपर्टी वालों का है, बैरिया टाउन का नहीं है। और जहाँ पर कब्ज़ा नहीं आया वहाँ पर बैरिया ने अगर ये चार्जेस जो कि बढ़ा दिए हैं, हमें इंफॉर्मेशन है क्यों बढ़ाए हैं, इसका जवाब बैरिया टाउन देगा, लेकिन ये नहीं बढ़ाने चाहिए थे। इस पर हमने पहले भी बात की है, बट अगेन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, बैरिया इंतज़ामिया इसका जवाब देगी। लेकिन अब फैसला आपका है कि बैरिया हाइट्स टावर 25-26 जितने प्लॉट्स यहाँ पर आप पोजेशन ज़रूर अप्लाई करें, और चूँकि डिस्काउंट भी चल रहा है तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा लीजिए। पिछली वीडियोस में भी ये गुजारिश की थी, आज भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस वीडियो से इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा लें, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर से 10% इन चार्जेस में इजाफा कर दिया जाए। मैं आपको जो इसका नया पोजेशन यूटिलिटी है वो स्क्रीन पर चलता देख रहे हैं, आपको व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा, लेकिन जो हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं ये मुकम्मल दुरुस्त और तस्दीक शुदा है, क्योंकि नया पोजेशन आ चुका है और वो इस बात की तस्दीक है कि पुराने रेट्स और नए रेट्स में वाज़े फ़र्क आ गया। तो बैरिया टाउन कराची से जो सरमायाकार, जो अलॉटीज़ हैं, उनके लिए ये 10% इजाफी चार्जेस की जो खबर है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जिससे कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं और कुछ लोगों को शायद पता भी ना हो कि ऐसा होने जा रहा है, बट ऐसा हो चुका है। अब आपने फ़ैसला करना है कि अभी भी आपने इंतज़ार करना है या डिस्काउंट पर न्यू, यानी जो रेट्स न्यू आए हैं इस पर डिस्काउंट हासिल करना है। हमारे नंबर्स पर रابطہ करें, अच्छा डिस्काउंट आपका मुंतज़िर है।